हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ रिव्यू करूंगी वंडरशेफ का द विंची सेट। फ्रेंड्स, मैंने इस सेट को अमेजोन से मंगाया है। ये एक वंडरशेफ का नॉनस्टिक कुकवेयर सेट है एंड इट कम्स विद 2 इयर्स वारंटी। फ्रेंड्स, वंडरशेफ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन इंडिया रिगार्डिंग कुकवेयर्स और मैंने इसे काफ़ी रिसर्च के बाद लिया है एंड इट इज़ अ 4 पीस सेट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ करूंगी, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि कैसे नॉनस्टिक कुकवेयर की हम लास्टिंग को बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें इनकी केयर करनी चाहिए। ऑल्दो दे आर नॉट द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन कुकवेयर, बट कभी कभी हमें ऐसी कुकिंग भी करनी होती है जिसमें हमें ऑयल कम यूज़ करना होता है और कुछ कुछ डिशेज ऐसी होती हैं लाइक चाइनीज़ डिशेज़ हो गई, ऑमलेट्स हो गए, तो वहाँ पे हमें नॉनस्टिक कुकवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कोटिंग का हेल्दी होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो आई मेंशन दैट दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ द कोटिंग अवेलेबल, बट मुझे एक नॉनस्टिक कुकवेयर चाहिए था सो इसीलिए मैंने अपने लिए ऑर्डर किया। सो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे इनकी देखभाल करें और कैसे इनकी लास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। Friends, here are few things that I want to share with you regarding non-stick cookwares. पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये सब induction friendly होते हैं। Induction friendly, ये सारे cookwares आपके induction friendly होते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा induction पे ही use करें तो अच्छा है, क्योंकि gas पे क्या होता है, बहुत ही high flame होता है और इनका जो color है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और ये यहाँ से ब्लैक होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में ऐसी कुकिंग इन्वॉल्व है कि जहाँ पे इंडक्शन बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो आपको इस टाइप के कुकवेयर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमें इनको बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं यूज़ करना है। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा हाई हीट पर यूज़ करेंगे तो देर आर चांसेस कि इनकी कोटिंग निकल जाए। जल्दी से नहीं निकलती है कोटिंग फ्रेंड्स इनकी, ये ग्रेनाइट कोटिंग होती है और ये 5 लेयर कोटिंग होती है। अनटिल एंड अनलेस आप इनकी केयर नहीं करेंगे, इन पे मेटल के स्पैचुलाज को आप रब करेंगे तो ही इनकी कोटिंग निकलती है, या बहुत देर तक किसी चीज़ को हम जलने देंगे, हम भूल जाते हैं जैसे रख के और कोई चीज़ जल जाती है तभी इनकी कोटिंग निकलती है। फ्रेंड्स, ऑल्दो दे मेंशन दैट यू कैन यूज़ मेटल स्पैचुलाज ऑन दीज कुकवेयर्स, बट आई पर्सनली वोंट रेकमेंड यू, क्योंकि मैं काफ़ी साल से नॉन स्टिक कुकवेयर्स यूज़ कर रही हूँ। डेली यूज़ में तो नहीं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें नॉन स्टिक कुकवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, देयर आर फ्यू डिशेज, और कभी कभी हमें हेल्दी खाने का मन होता है, नॉन ऑयली खाने का मन होता है तो हम नॉनस्टिक यूज़ करते हैं, और डीप फ्राइड खाने का नहीं मन होता है तब हम इन सब ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। बट ऑल्दो दे मेंशन कि मेटल स्पैचुलास को यूज़ कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप जो सिलिकॉन के स्पैचुलास आते हैं आप इन पर वही यूज़ करिए। थर्डली फ्रेंड्स, जब भी हम नॉनस्टिक कुकवेयर्स को वॉश करते हैं तो हमें कभी भी इन पर वो जो मेटल के स्क्रबर्स आते हैं वो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, अपनी मेड्स को नहीं देना चाहिए इनको वॉश करने के लिए। अब हो सके तो आप इनको खुद ही वॉश करिए या फिर मेड्स को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमें इसको सॉफ्ट कपड़े से ही वॉश करना है और हल्के हाथ से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इनको घिसेंगे तो इनकी मेटल की जो कोटिंग है वो निकल सकती है। नेक्स्ट बात ये है फ्रेंड्स कि कभी भी हमें गरम गरम कुकवेयर को सीधा ठंडे पानी के नीचे वॉश करने के लिए नहीं रख देना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, गिव इट सम टाइम एंड देन वॉश इट विद यू नो सॉफ्ट क्लॉथ और समथिंग लाइक दैट। डोंट यूज़ मेटल स्क्रबर्स और स्कॉच ब्राइट्स फॉर वॉशिंग दीज काइंड ऑफ यूटेंसिल्स। सो अगर हम इस तरह से इनकी केयर करेंगे तो इनकी लास्टिंग भी बढ़ेगी और ये इनकी जो कोटिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी और ये काफ़ी टाइम तक आपका साथ देंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हमें इन कुकवेयर्स को कभी भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके नहीं रखना है। लाइक ये एक तवा है और मैंने
अपनी अलमारी में ये ऐसे रख दिया और उसके ऊपर फिर मैंने ये डाल के रख दिया, तो क्या होता है कि इनकी स्क्रबिंग होती है आपस में और ये स्क्रैच होते हैं एक दूसरे से और इनकी कोटिंग निकल सकती है। तो हमें इनके नीचे कोई बबल रैप लगा के या कोई गत्ते का टुकड़ा लगा के, वैसे बबल रैप अच्छा रहता है, वो लगा के रखिए, या फिर इनको आप किसी स्टैंड पे खड़ा करके रखिए, या फिर ऑप्शन है आपके घर में कि आप पैंट्स को टांग सकते हैं, तो आप पैंट्स को टांग के रखिए, हैंग करके रखिए, तो उससे ये स्टैक नहीं करना है। अगर ये सब प्रिकॉशंस का आप ध्यान रखेंगे तो आपके नॉनस्टिक कुकवेयर जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ये पूरा कुकवेयर सेट दिखाती हूँ। इट्स अ 4-पीस सेट। इस सेट में सबसे पहले ये एक छोटू मोटू सी चीज़ है, एक छोटा सा तड़का पैन है, इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैन इज़ दैट आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ तड़का पैन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और ये खड़ा भी हो जाता है, मतलब आप अपनी शेल्फ पे रख देंगे तो ये ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने वेट से गिर जाएगा या ऐसा कुछ है, ये इसका बेस्ट पार्ट है इसका। बट ये इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ड्रॉबैक ऑल्सो। बाकी पूरे सेट में सारी चीज़ें इंडक्शन फ्रेंडली है, बट एक ये तड़का पैन जो है वो इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है, तो इसको मेरे को गैस पे ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड्स, ये एक पैन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैन, इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट है और ये बहुत ही फेस्टिव वाइब देता है किचन के अंदर, और ये इंडक्शन फ्रेंडली है। यहाँ पर वंडर शेफ की ब्रांडिंग भी है, और वंडर शेफ की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, इनफैक्ट यहाँ पर भी वंडर शेफ की ब्रांडिंग है। और इसके हैंडल्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टच हैंडल्स हैं, सिलिकॉन के हैंडल्स हैं, और इनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है और स्टर्डी है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट है और कुछ ऐसे, दे आर स्टर्डी, सो इनका जो क्या कहते हैं गेज कहते हैं वो बहुत अच्छा है, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बट वही बात है कि फ्रेंड्स कि आप इनकी जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये चलेंगे। अगर आप इन्हें रफ एंड टफ यूज़ करेंगे, मेड्स को दे देंगे क्लीन करने के लिए, मेटल के स्क्रब्स यूज़ करेंगे, स्पून्स यूज़ करेंगे, या इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखेंगे, तो देर आर चांसेस कि इनका वियर एंड टीयर हो जाए। आई टोल्ड यू दैट दीज आर नॉट द यू नो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। बेस्ट ऑप्शन तो फ्रेंड्स हमारा कास्ट आयरन होता है या फिर स्टील की कढ़ाई होती है, बट कई बार हमें ऐसी कुकिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ये सब यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस सेट इज दिस इज द थर्ड थिंग, दिस कम्स विद अ लिड, और ये लिड इस पैन पे भी फिट हो जाती है फ्रेंड्स, और इस कढ़ाई पे भी फिट हो जाती है। लिड में एक वेंट भी दिया हुआ है, और इसका नॉब बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस नॉब की, एक मैट सी फिनिश है, इट्स नॉट दैट शाइनी, और इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, और ये कढ़ाई है, कढ़ाई की डेप्थ काफ़ी अच्छी है और इसकी भी ग्रिप बहुत अच्छी है। इसमें बहुत अच्छी वंडर शेफ की ब्रांडिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, अभी मैं इसको कुछ टाइम यूज़ कर लूँ, फिर मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और अपना फीडबैक आपको यूज़ करने के बाद भी मैं बताऊँगी। दिस इज़ एन अनबॉक्सिंग वीडियो, एंड जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो अपने अनदर कुकवेयर्स के बारे में बताए हैं जो मैं आज तक अभी तक यूज़ कर रही थी, और उनके बारे में बताएं, जनरल केयर मैंने आपको बताई है। इसका मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अभी इनकी क्या कंडीशन है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट है इस सेट में एक तवा है, इसमें भी ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है, और इसमें भी वंडर शेफ की ब्रांडिंग दी हुई है, और इसका कलर बहुत ही सुंदर है। ये सेट मैंने सोलली बिकॉज ऑफ कलर भी लिया है, इसमें और भी ऑप्शंस थे फ्रेंड्स, बट मुझे ये येलो कलर बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा था और एक फेस्टिव सी वाइब आ रही थी किचन में, तो इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। ऑल्दो मुझे इस सेट में ये जो तवा है ये 24 सेंटीमीटर्स का है, मुझे इससे बड़ा तवा चाहिए था, और ये बस ये मुझे एक नेगेटिव चीज़ लग रही है इस सेट में कि ये जो तवा है ये बहुत छोटा है, 24 सेंटीमीटर्स का है ये तवा, तो ये मुझे थोड़ा सा
छोटा लग रहा है, और मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया है फॉर अराउंड रुपीज 2,200। इसका MRP 4,000 समथिंग का है, और 4,500 का इसका MRP है, और मैंने इसे 2,200 का लिया है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक आउट फ्रेंड्स इन कैन के साथ ये एक वंडरशेफ की कुक बुक भी आती है, इट्स ए नाइस कुक बुक, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है कुकिंग के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।